यह एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा आप देखते हैं कि जब भी चुनाव का टाइम आता है, या वैसे भी आप देखते हैं कि हमेशा सोशल मीडिया वैसे आप लोग फेसबुक अगर ट्विटर ये सब बॉट सब चलाते हैं तो इस तरह के मुद्दे हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। और एक आपके हाथ में रहता है फॉरवर्ड का बटन, और आप एक मुद्दा है आपके पास इसे तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं, आरक्षण की बात की जाती है। तो आप भी अपने सुझाव दीजिए, अगर आपके पास कोई पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह सुझाव दीजिए, ऐसा नहीं कि गमार की तरह आप कुछ बोलने लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए। और गमारों की सूची में आप लोगों को नहीं रखता हूं मैं, इसलिए एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह बोलिए और आप उनकी स्थिति भी देख लीजिए। आपको लगता है कि जिन्हें आरक्षण दिया जा रहा है तो उनकी स्थिति देख लीजिए, उनकी जगह अपने आपको कभी रख कर देखिए, उसके बाद आप निर्णय लेना, उसके बाद अपने आप के नीचे सुझाव भी दे सकते हैं आप लोग। और लास्ट में मैं भी बताऊंगा कुछ आपके पॉइंट, और आप उस पर भी विचार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सही है या नहीं। एक मूवी आई हुई अभी आई थी कुछ दिन पहले, आर्टिकल 15, इसे भी आप लोग जरूर देखें, ठीक है। और कभी आपको लगा करे कि आरक्षण गलत है तो आप उन व्यक्ति उन लोगों की तरफ जाया करिएगा जिन्हें आरक्षण मिलता है, और जिनकी जो स्थिति है बद से बदतर स्थिति है उनकी छोड़ दीजिए, जो ऊंचे उठ चुके हैं जिनकी स्थिति आर्थिक स्थिति सुधर चुकी है उन्हें नहीं, ठीक है। लास्ट में हम लोग निष्कर्ष देखेंगे, इसकी बात करेंगे अच्छे से। अभी देखते हैं कि अभी किस कारण इस चर्चा में बना हुआ है, और सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसे भी देखेंगे, इसकी पृष्ठभूमि देख लेंगे, आरक्षण संबंधी जो संवैधानिक प्रावधान है संविधान में जो प्रावधान दिए गए उन पर भी बात करेंगे, वर्तमान आरक्षण प्रणाली क्या है, किसे किसे कितना आरक्षण दिया जाता है इस पर भी बात करेंगे, और अनुच्छेद 32 के बारे में भी जानेंगे कि आखिर है क्या है, आर्टिकल 226 क्या है उसे भी देखेंगे, और नीट यानी कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा क्यों भी चर्चा में रही हुई है, इसी पर ये आपका सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है तो उस पर भी बात करेंगे, और लास्ट में आपका एक निष्कर्ष देख लेंगे यानी कि आखिर होना क्या चाहिए। एक बात हमेशा से बोलता आया हूं आप लोगों को कि आप लोग उन लोगों की भीड़ में मत शामिल हुई जिनका दिमाग 80% से 85% वही लोग भरे हुए हैं जिनके दिमाग की चाबी दूसरे के पास है, यानी कि क्या करना है। फेसबुक पर आपका एक मैसेज आया कि आरक्षण गलत है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, ये करता है वो करता है, नौकरी नहीं मिलती है वो नहीं मिलता है, तो कभी अपने आप को सोचिए। मुझे नहीं लगता है कि अगर आप अपना दिमाग लगाते हैं इन नेताओं के चक्कर में मत पड़िए, और याद रखिए आपका हमेशा क्वेश्चन इससे बनते आते हैं आरक्षण से, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्टेट PCS में भाई, और प्रीलिम्स मेंस में भी आपके आ जाते हैं, कई बार तो आपका ऐसे भी आपका लिखने के लिए आया हुआ है, तो इसे आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। हाल ही में तमिलनाडु के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की, इसमें मांग की गई थी कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में OBC आरक्षण को 50% 50% कर दिया जाए। इस संदर्भ में अब सुप्रीम कोर्ट में ने याचिकाकर्ताओं की मांग पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। तमिलनाडु की याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर चिकित्सा और दंत विज्ञान पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटा के अंतर्गत सीटों के लिए पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित 50% कोटा लागू नहीं करने और तमिलनाडु के लोगों के लिए उचित शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य में ऐसे आरक्षण के लागू ना होने से इसके निवासियों में के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक आरक्षण प्रदान करने हेतु ना तो तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण सरकारी सेवाओं में नियुक्ति कानून 1993 का पालन कर रहे हैं जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय कोटा के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों में तथा तो तमिलनाडु में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में OBC उम्मीदवारों के लिए 50% आरक्षण प्रदान करना और ना ही अन्य राज्यों के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम तथा अखिल भारतीय कोटा में OBC उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करना। इसके अलावा दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों यानी कि आरक्षण और प्रवेश अधिनियम 2006 के प्रावधान जो केवल केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में OBC उम्मीदवारों को
27% आरक्षण देते हैं, एक विसंगति है जो कि राज्यों और निजी पार्टियों द्वारा संचालित संस्थाओं को एक अलग वर्ग मानते हैं, जिसमें आरक्षण का एक अलग नियम है। याचिका दायर करने के पीछे तर्क दिया गया कि शिक्षा के अधिकार और आरक्षण के अधिकार को बनाए रखने के लिए हाशिए के वर्गों के लिए उन्हें व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना समाज के ऐसे वर्गों को सशक्त बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय का कहना है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए इस मामले में अनुच्छेद 32 लागू नहीं किया जा सकता। आरक्षण लाभ नहीं दिया जाना किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान करते हुए याचिका वापस लेने को कहा। एक बात आप लोग समझ लीजिए, जब आपके किसी जो भी आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आप आर्टिकल 226 यानी कि अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो आरक्षण है ये आपके मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है, इसलिए इसे लेकर आप लोग किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, ना तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और ना ही हाई कोर्ट जा सकते हैं। इससे पहले फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सार्वजनिक नौकरियों में आरक्षण का दावा करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और कोई अदालत राज्य सरकार को आरक्षण देने का आदेश नहीं दे सकती है। क्या राज्य सरकारों को आरक्षण नहीं दे सकती है? इसलिए देखते हैं, ये राज्य के ऊपर निर्भर रहता है कि राज्य किसे देना चाहे किसे नहीं देना चाहे। क्योंकि आपने देखा होगा कई राज्यों में आप देखते हैं कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है, कई राज्यों में 14% है। अभी एमपी में भी आपने देखा इसी को लेकर आपका एमपीपीएससी का पेपर फंसा हुआ है कि आरक्षण पर ही, कि कांग्रेस आई थी तो 27% उसने किया हुआ था। और याद रखिए 27% का आपका प्रावधान भी है इसमें। आरक्षण संबंधी अगर हम लोग संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो आरक्षण शिक्षा रोजगार और राजनीति के लिए भारतीय समाज में ऐतिहासिक और वर्तमान में वंचित समूहों के लिए प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में कहा गया है कि संविधान में उल्लेखित समानता संबंधी प्रावधान सरकार को पिछड़े वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पक्ष में शिक्षण संस्थानों अथवा नौकरियों में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकते हैं। अनुच्छेद आपका 16(4)(a) के अनुसार राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में भी आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान कर सकती है, और यदि राज्यों की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो इसका उद्देश्य हमारे संविधान की प्रस्तावना में समानता के वादे को साकार करना है। इसका कहने का मतलब सीधा सा है कि आप सोचिए कि किसी विभाग है कोई, वहां अगर अनुसूचित जाति और या फिर अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व कम है तो आर्टिकल 16(4)(a) के तहत राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो उन्हें जगह दे सकता है। क्या कर सकता है? जगह दे सकता है। लेकिन आप सोचेंगे केंद्र सरकार इस मामले में कुछ करे तो नहीं, ऐसा संभव है। ठीक है, एक आपने केस सुना होगा इंदिरा साहनी केस ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को एक श्रेणी के रूप में तथा 27% आरक्षण की वैधता को मान्यता दी। इसने आरक्षण पर 50% सीमा निर्धारित की थी। कहने का मतलब है कि जो एससी को मिला हुआ है, एसटी को मिला हुआ है, उसके बाद जो आपका ओबीसी को मिला हुआ है, टोटल मिलाकर 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि 27% आपका ओबीसी का हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति इसे 7.5% है। कितना? 7.5%। उसके बाद 15% आप देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति को मिला हुआ है, अनुसूचित जाति को, एससी को, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये आपका हो गया कितना, 41% के करीब, 41.5% के करीब आपका चला जाता है। 15(a)(27) वो 51% के करीब चला जाता है। कितना? 51%। लेकिन कितना कहा गया था साइनी इंदिरा साइनी केस में,
50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे तमिलनाडु में आपका 69% पहुंच चुका है, तो क्या किया जाता है कि जब कहीं इस तरह के मामले आ जाते हैं तो उसे 9वीं अनुसूची में जो डाल दिया जाता है, जिससे वो उस पर जो भी कानून होता है वो नई प्रावधान लगते हैं और उनका मतलब पुनर्विचार नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो यही हुआ था तमिलनाडु के मामले में। 2019 में 193वे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कितना? 10%। अब आप सोचिए यहाँ कितना, अब आपको सोचना है कि 15% अनुसूचित जाति को हो जाता है। कितना? 15% आपका अनुसूचित जाति को हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि 7.5%। कितना? 7.5% आपका अनुसूचित जनजाति को हो जाता है, अनुसूचित जनजाति को हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि 27% आपका ओबीसी को हो जाता है, वो 10% आपका आर्थिक कमजोर से जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उन्हें हो जाता है। इस तरह से आपका टोटल 59% पहुंच जाता है। कितना? 59%। और इंदिरा साहनी केस में याद रखिए 50% की बात की गई थी, तो ये आपका ज्यादा हो जाता है। तो आपने देखा है कि कई राज्यों में अभी भी आपका 27% नहीं मिला हुआ है, इसी कारण आपका मध्य प्रदेश और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ ओबीसी को 27% नहीं मिला हुआ है, बाकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को नहीं मिला हुआ है। अभी सामान्य जो हुआ है 10% इन्हें 103वे संविधान संशोधन द्वारा इन्हें भी मिल चुका है। तो ये बढ़िया है कि आप समझिए कि अब सबको आरक्षण दिया जा रहा है। यदि आर्थिक जो सामान्य जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं अगर वो भी कमजोर स्थिति है उनकी आर्थिक स्थिति, तो उन्हें भी आरक्षण दिया जा सकता है। तो आप लोग अभी मत कहिएगा आरक्षण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिसे सबको सभी जातियों को बराबर दे दिया गया है, ये अच्छा 10% करके ये अच्छा कर दिया गया है कि अनुसूचित जनजातियों से ज्यादा भी आपको 10% मिल रहे हैं। अनुच्छेद 32 की अगर बात करें तो संविधान का यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के परिवर्तन से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों की रक्षा करने और इनके प्रवर्तन हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध उत्पेषण अधिकार प्रेक्षा रिट, ये सभी आप सोचिए कि अगर आप आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट ये सभी रिट जारी कर सकता है 5 प्रकार की। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार मूल है लेकिन अनन्य नहीं। यह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के अधिकार के क्षेत्र के साथ संबद्ध है। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उच्च न्यायालय या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का विकल्प है। हालांकि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट की सुनवाई से मना नहीं कर सकता, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार करने से मना कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत के तहत संसद रिट्स को जारी करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को भी प्राधिकृत कर सकता है, हालांकि अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार है कि अनुच्छेद 359 द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता है इन अधिकारों को। यहाँ आप नीट देख रहे हैं तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, यह भारतीय मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में MBBS और BDS कार्यक्रमों के लिए क्वालिफाइंग टेस्ट है। यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की स्थापना भारतीय सोसाइटी अधिनियम पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई है। अब आपको बता रहा था ना कि बाबा आदम जमाने के हम लोग अभी भी अधिनियम यूज कर रहे हैं, तो ये सोचिए 1860 में बना था, उस समय अंग्रेजों की सरकार हुआ करती थी, उस समय के अभी भी अधिनियम हम लोग उसी तरह से प्रयोग कर रहे हैं। अब आप समझिए कि इनमें संशोधन कर देना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों के समय व्यवस्था अलग थी, अंग्रेज अपने मतलब के हिसाब से सभी कानून बनाए हुए थे, हम लोग अपने हिसाब से बनाना चाहिए ना। इसकी अध्यक्षता मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त
एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद द्वारा की जाती है। यह एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर प्रीमियर परीक्षण संगठन है। लास्ट में आप क्या कह सकते हैं कि इस निर्णय के बाद आरक्षण संबंधी मामलों में रिट अब सीधे सर्वोच्च न्यायालय के बजाय उच्च न्यायालय में लगानी पड़ेगी, क्योंकि उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामले भी शामिल हैं और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि आरक्षण योग्यता का सबसे बड़ा दुश्मन है जो कई प्रगतिशील देशों की नींव है, परंतु योग्यता के आधार के रूप में समानता सुनिश्चित करने के लिए अर्थात सभी लोगों को योग्यता के आधार पर न्याय देने से पहले उन्हें समान स्तर पर लाया जाना आवश्यक है। अब लास्ट में ये तो आपका आर्टिकल में जो पॉइंट दिए गए थे उसे बताया, लेकिन मेरा क्या मानना है आप अपना भी नीचे लिख सकते हैं, मेरा सुनिए। आर्थिक रूप से आर्थिक सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, फिर चाहे वो जनरल के हों, फिर चाहे ओबीसी के हों, एसटी के हों, एसटी के हों, किसी भी कैटेगरी के हों बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे ये अच्छा जान के लगा कि सामान्य वर्ग को भी 10% आरक्षण मिल चुका है, तो अब उनकी भी शिकायत खत्म हो चुकी है। अब जिन्हें लगता है कि आरक्षण एक बहुत गलत चीज है तो याद रखिए क्रीमिलियर का प्रावधान भी आया हुआ था, तो ऐसा हो सकता है कि आप क्रीमिलियर का प्रावधान एससी एसटी अभी ओबीसी पर लगता है, अगर आप क्रीमिलियर की श्रेणी में आते हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो इसे इतना कर सकते हैं आप लोग कि आपकी इनकम अच्छी होने लगी है, आर्थिक स्थिति अच्छी सुधर चुकी है, तो आपको शामिल कर लिया जाए, एसटी एसटी को भी कर लिया जाए इसमें शामिल, और आर्थिक जो भी सभी श्रेणियों को इसमें शामिल कर लिया जाए, इतना हो सकता है। आप सोचें कि एसटी एसटी को आरक्षण पूरी तरह से बंद कर दें, आरक्षण पूरी तरह से संभव खत्म कर दें, तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है, आप अभी भी देखिए कि कई इलाके ऐसे पिछड़े हुए हैं जनजाति जिनके पास खाने के लिए अच्छी सुविधा नहीं है, वो बच्चों को आपके कैसे पढ़ाएंगे। हम सोचिए कि हम पढ़े मतलब आपका परिवार सक्सेस है, आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी है, तो आप अपने बच्चे को कहाँ वीआईपी स्कूल में पढ़ाते हैं, और आपका बच्चा वीआईपी स्कूल में पढ़कर अच्छा पढ़ा लिखा है, और एक उसे सोचिए कि जो जनजाति का बच्चा यानी कि आदिवासी का बच्चा अपने सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और सरकारी स्कूल की आप लोग खस्ता हालत कितनी खराब हालत होती है आप जानते हैं, तो आपके बच्चे से वो कॉम्पिटिशन नहीं कर सकता है, ये आप ही सोचिए। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि शिक्षा को पूरी तरह फ्री कर दें, और आपका बच्चा अगर वीआईपी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका भी बच्चा वीआईपी स्कूल में पढ़े, उसके बाद आरक्षण खत्म कर दें, ये संभव हो सकता है। तो सभी श्रेणियों को बराबर श्रेणियों में लाकर सभी वर्गों को, उसके बाद आरक्षण खत्म कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप सोचें कि आप वीआईपी आपको स्कूल की सुविधा मिले, अच्छी कोचिंगें मिले, और आरक्षण खत्म हो जाए, तो फिर तो आपका दबदबा हो जाएगा ना उस पर, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन आप सोचिए कि आर्थिक स्थिति जिसकी सामान्य की अगर भी खराब है तो उसे भी 10% आरक्षण दे दिया गया, तो अनुसूचित जनजाति से बेहतर तो आप लोगों की स्थिति ठीक हो रही है। तो ये समझिए कि ठीक है जो भी है, बस आर्थिक और सामाजिक स्तर से जो पिछड़ा हुआ है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, ठीक है। और कभी भी डायरेक्ट इंटरव्यू में कहीं भी जाते हैं तो एक शब्द आपसे पूछा जाए कि आरक्षण अच्छा है या खराब, ये मत बोल दीजिए कि हाँ हटा देना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए। और रही बात आरक्षण की, आरक्षण के आधार पर सिलेक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैंने कई एस टी एस सी के ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो बेहतर स्कोर करते हैं, हम लोगों से बेहतर स्कोर करते हैं और सामान्य से भी ज्यादा नंबर लाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब बहुत कुछ बदल चुका है, बस इतना कह सकता हूँ कि अभी भी भेदभाव है, वो जब तक ये भेदभाव पूरी तरह से खत्म नहीं होगा तब तक आरक्षण को पूरी तरह से हटा पाना मुश्किल है, ठीक है। और एक तरफा विचार मत रखा करिएगा गमारों की तरह, देखता हूँ कि फेसबुक पे मैं देखता रहता हूँ कि ये नहीं हो रहा है आरक्षण की वजह से, वो नहीं हो रहा है, वो तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देश में, आपके देश में क्या है, आप अंधभक्ति में वोट देते रहते हैं, आपको ना तो अपनी अर्थव्यवस्था से मतलब है ना ही कुछ से मतलब है। और देखिए जो बड़े आदमी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है वो नौकरी पर थोड़ी जी रहे हैं, हकीकत यह है कि अगर ईमानदारी से नौकरी भी की जाए तो उसमें पेट नहीं भरता व्यक्ति का, बच्चों को पढ़ाने की छोड़िए, तो आप उस अपना मतलब अपनी बर्बादी यानी कि अपनी फेलियर का
दोष उस आरक्षण को मत दीजिए, आप 1000 काम कर सकते हैं, आपके पास योग्यता है तो, वो आपके पास योग्यता नहीं है तो आप पढ़े लिखे होकर भी ना के बराबर होंगे। तो ठीक है, ये था आपका आरक्षण का मामला।